29 दिनों से चल रही संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन प्रदेशव्यापी हड़ताल में बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने झुंझुना एवं लॉलीपॉप दिखाकर विरोध जताया और कहा कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा हड़ताल जारी रहेगी। अपनी विभिन्न मांगों के अलावा नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर में संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर है। चल रही प्रदेशव्यापी हड़ताल के दौरान संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने लॉलीपॉप एवं झुंझुना दिखाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लॉलीपॉप दिखाने वाला बताया। अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुनील अवस्थी एवं मीना पांडे ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया तथा मांग न माने जाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। अभी तक जो मदहोश प्रशासन था बिल्कुल मस्त नींद में सो रहा है, सिर्फ हमको लॉलीपॉप दिखा रहा और हम सिर्फ झुंझुना बजा रहे हैं, लॉलीपॉप दिखा के छीनता है। पिछले 19 फरवरी से हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार अनवरत जारी है। 15 मार्च से हमारे संयुक्त संविदा संघर्ष मंच के भी साथी हमारे साथ हर जिले में पंडालों पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आ गए हैं। जैसे ये पूरा संविदा जगत अपनी मांगों को लेकर मैदान में आ चुका है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को अब कठिनाइयां महसूस होने लगी हैं और उसकी परिणति हमें कल देखने को मिली जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने होमगार्डों के जो एक कार्यक्रम था वहाँ पर संबोधित करते हुए इस चीज़ को स्वीकार किया कि संविदा एक अभिशाप है। चूँकि व्यवस्था भी तो उन्होंने ही बनाई थी, लेकिन 15 वर्षों बाद उनकी आंखें खुली कि ये संविदा एक अभिशाप है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। मनोरंजन के लिए देखते रहिए रीवा दर्शन।